हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि हर एक स्मार्टफोन यूज़र के पास होता है, लेकिन अलग अलग टाइप का होता है। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अमेज़ॉन पर समर सेल चालू है। तो समर सेल के दौरान काफ़ी टेक प्रोडक्ट्स पे काफ़ी डिस्काउंट्स है, काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स है। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ में आता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, शायद इस तरह का प्रोडक्ट आप खरीदने का सोच रहे हो या ये प्रोडक्ट आपके काफ़ी काम आ सकता है। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन उसकी प्राइसिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो कैसा इसका इन हैंड फील है और मेरे फर्स्ट ओपिनियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो हर बार की तरह ये प्रोडक्ट भी हमने अमेज़ॉन से मंगाया है क्योंकि फ़्लिपकार्ट पे हमको भरोसा नहीं है उतना जितना अमेज़ॉन पे है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट के बक्सों में साबुन की टिक्कियाँ निकलती है जो हमें नहीं चाहिए। तो ये अमेज़ॉन से मंगाया है, छोटा सा बॉक्स है, मतलब ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसे फटाफट अभी ओपन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट का बॉक्स है, बोट एयरडॉप्स 170। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो प्राइस है, यहाँ पे लिखी है 4490, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट के लिए इतनी प्राइस पे नहीं करनी पड़ी है। तो मुझे ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा है वो मैं वीडियो के लास्ट पे बता दूंगा और इसका बेस्ट बाय लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे आपको बतानी है, अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे होंगे तो, कि इसमें तीन कलर्स आते हैं और कलर्स के हिसाब से इसमें कुछ तो भी चेंज आता है। तो वो क्या चेंज आता है वो मैं आगे बताता हूँ, पहले बॉक्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बोट बोलता है डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट, ये तो पता नहीं फ्लोट करेंगे कि नहीं, हालांकि इसमें वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। सबसे पहले बॉक्स की बात कर ले तो इसमें बोट सिग्नेचर साउंड बीस्ट मोड IWP टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ 5.3 पर सपोर्ट करता है, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस मिलता है और अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 180 मिनट्स का प्लेबैक मिलता है, मतलब 3 घंटे का प्लेबैक आपको मिल जाता है। इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और इस पर आपको इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट और हे सीरी का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब वॉइस असिस्टेंट आप वन टच कंट्रोल से एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो कलर मैंने मंगाया है इसको बोट बोलता है ट्रैंक्विल ब्लू, और यहाँ पर इसकी दो मेन हाइलाइट्स है। इसका टोटल प्लेबैक टाइम, मतलब आप इसे 50 आवर्स तक ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन। ऑब्वियसली ये 50% वॉल्यूम के साथ में होगा, अगर आप 100% वॉल्यूम के साथ भी यूज़ करते हैं तो भी आपको आराम से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाना चाहिए। और इसमें क्वाड माइक्स मिलते हैं ENX टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि एक एक्सटर्नल ऑडियो को, मतलब अगर आप रोड पर है तो बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल करता है, मतलब एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो टेक्नोलॉजी है ये क्वाड माइक्स विद ENX टेक। तो इसे ओपन करते हैं। सो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंपनी भी इंडियन है, अमन गुप्ता की कंपनी है। सो बिना किसी देरी के, अच्छा बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मेन ईयरफोन्स है और यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल मिलनी चाहिए मुझे जितना लग रहा है, बट अब वो कौन से कलर में आती है, यूजुअली ब्लैक में आती है बट देखते हैं। ओके, ईयर टिप्स है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा एक USB-A to USB-C चार्जिंग केबल मिल जाती है इस ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। और इसमें नीचे बात करें तो ये काफ़ी अच्छा सा स्टैंड टाइप है, अच्छा स्टिकर्स मिल जाते हैं इसमें काफ़ी सारे, और ये कुछ पेपर वर्क मिलता है। तो ये प्रोडक्ट 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। तो ये FAQ कार्ड्स हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर कुछ इश्यूज है तो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें मेन में, और ये इसकी मेन बुकलेट है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये तीन कलर्स में आते हैं, एक ये ट्रैंक्विल ब्लू और ये वाइट और ब्लैक, ये मैट फिनिश के साथ में आते हैं तीनों ईयरबड्स, लेकिन कलर वाइज इनकी प्राइसिंग चेंज होती है। जी हाँ, यही इस ईयरफोन्स का एक, आप इसे एडवांटेज बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। और कुछ स्टिकर्स, हाँ स्टिकर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब इसमें आपको वेराइटीज़ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मल्टीपल वेराइटीज़ मिल जाती है स्टिकर्स की,
तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और ये एक थैंक यू कार्ड मिलता है बोट हेड की तरफ से, वोकल फॉर लोकल, रॉक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सो थैंक यू बोट फॉर ऑल दिस। तो ये कुछ ही प्रोडक्ट है, जल्दी से इसको अनरैप करते हैं। फर्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब इन हैंड फील काफ़ी अच्छा आता है और बहुत छोटे से, मतलब इस तरह से पूरे पाम्स में कवर हो जाते हैं। और यहाँ सामने बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये एक हल्का सा मतलब इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया, मतलब एक ग्रिप अच्छे से मिलती है अगर आप इस तरीके से पकड़ के इसे ऐसे ओपन करना चाहते हैं तो ग्रिप अच्छे से मिल जाती है। और यहाँ पर ये चार्जिंग इंडिकेटर्स है तो लाइट्स वगैरह यहाँ पर दिख जाती है और नीचे में एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। ये इसकी लिड काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब नॉर्मल जो लीड रहती है वो बहुत डेलिकेट रखती है कि कभी भी ब्रेक हो सकती है, लेकिन ये लीड काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और ये मैंने ब्लू कलर में क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली सस्ता पड़ा, क्योंकि सेम मॉडल के लिए अगर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और अगर कोई और कलर आपको सस्ते में मिल रहा है तो शायद आप भी मेरी तरह वही डिसीज़न ले सस्ता लेने वाले का। तो ये कुछ ये प्रोडक्ट है बोट ट्रैंक्विल ब्लू कलर में एयरडॉप्स 170। तो अभी इसे फटाफट अपने फ़ोन के साथ में पेयर कर लेते हैं और फिर किस तरह की साउंड क्वालिटी है, बेस कैसा है और फास्ट चार्जिंग वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के ईयरबड्स दिखते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। सो दिस इज़ इट, बोट एयरडॉप्स 170। ये कुछ ऐसे इनके ईयर टिप्स है और यहाँ पर ये चार्जिंग पिन्स मिल जाती है जिससे कि ये यहाँ केस में इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ईयर टिप्स की क्वालिटी, मतलब ये बहुत ईजीली, जो जनरली बाकी ईयरफोन्स में मैंने देखे नॉइस वगैरह के कुछ मॉडल्स में कि बहुत इजीली निकल जाते, तो ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं निकलते। इसके अलावा और भी ईयर टिप्स आते हैं, तो आप अपने ईयर साइज़ के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन थोड़ा अच्छा प्लास्टिक है और मैट फिनिश के साथ में आता है। तो हालाँकि इस पर भी, अगर केस पे भी मैं वो कहूँ, तो अगर आप इसे थोड़ा सा रगेड यूज़ करेंगे तो इस पर स्क्रैचेज़ वगैरह आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा डेलिकेटली अच्छे से संभाल के रखेंगे तो ये नया जैसा रह सकता है। ईयरबड्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब और काफ़ी लाइट वेट है। साउंड टेस्ट करते हैं कि साउंड किस तरीके का आता है और बेस कैसा रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसे पेयर करने के बाद चेक करके मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की बात करें तो इसमें 13 mm का ड्राइवर मिलता है, 50 hours तक का प्लेबैक टाइम मिलता है, और अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आप इसे 3 घंटे तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन ENX टेक्नोलॉजी का यूज़ मिलता है, क्वाड माइक्स मिलते हैं और आपको ईयरबड्स के ऊपर ही टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो आप इसे डबल टैप ट्रिपल टैप करके गाना प्ले पॉज फॉरवर्ड नेक्स्ट और बाकी कंट्रोल्स आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है 898 rupees, बॉक्स पे इसकी प्राइस थी 4,490 rupees और ये जनरली अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे सेल होता था 1,400-1,500 rupees की प्राइस के आसपास में। कभी कभी ऑफर्स में 1,299 में भी सेल हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समर सेल में 898 में बिक रहा है। तो अगर आप ये ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल रही है क्योंकि इसमें फीचर्स पैक्ड ईयरबड्स मिलते हैं, तो आपको 900 rupees में काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। फास्ट चार्जिंग मिलता है, 50 ms का इसमें लो लेटेंसी मोड मिलता है, तो अगर आप इससे गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको वो ऑडियो ग्लिच नहीं महसूस होगा। तो ये बोट्स एयरडॉप्स 170, ये अभी अमेज़न का ऐप मैंने खोला हुआ है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रैंक्विल ब्लू कलर 898 का है, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ब्लैक कलर 1098 ऑलमोस्ट 1100 rupees, और वापस से आपको वाइट कलर 1098। तो अगर आप सेम फीचर्स सब कुछ सेम चाहते हैं तो आप ये ब्लू कलर ख़रीद सकते हैं जो आपको 900 rupees में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वाइट या ब्लैक कलर चाहिए तो आपको 1100 rupees देने पड़ेंगे। हालांकि अगर फीचर सेम है तो 1100 rupees देने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि मैट फिनिश में आता है तो काफ़ी अच्छा, मतलब वो जो ब्लू आपको ऐप में दिख रहा है और ये जो ब्लू है ये काफ़ी डिफरेंस है, तो इतना कुछ ऐसा अनोइंग कलर नहीं है, सटल कलर है, मतलब लड़का लड़की यूनिसेक्स कोई भी यूज़ कर सकता है, और काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है ये। इसका हमने ऑडियो टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छा बेस मिलता है, काफ़ी अच्छा ऑडियो मिलता है, लेकिन अगर आप एकदम 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन इसमें क्योंकि साउंड इतना एनरिच्ड है कि आपको इसको 100% पे सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो 100% पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, ये मैंने फील किया। तो अगर आप इसे 75% 80% अगर आपको एकदम हाई लाउड बेस वगैरह चाहिए तो आप 75-80-90% तक जा सकते हैं। अदरवाइज 50-60% पे भी आपको एक डिसेंट बेस क्वालिटी और ऑडियो लेवल्स मिल जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरीके से, अगर आप एकदम बहुत लाउड म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं 90-95% तक, 100% पे डिस्टॉर्शन रहेगा। और वो आपको, उसके लिए अगर आपको डिस्टॉर्शन फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो शायद आपको 2,000-2,500-3,000 रुपये तक के ईयरबड्स देखने चाहिए। लेकिन जिस प्राइस रेंज पे ये अभी आ रहा है, ये एक बहुत मस्त डील है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है या ये वीडियो पसंद आई है, इसका कुछ भी फीचर पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कि ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स खरीदना चाहते थे या इस तरह का प्रोडक्ट देख रहे हैं। क्योंकि आजकल के हर एक स्मार्टफोन यूज़र के पास इस तरीके के या इससे मिलते जुलते कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फीचर्स में। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे 900 रुपये के हिसाब से ये ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको दे देता है। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।